देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, ये हमला देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट। कुशीनगर के काजल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर मंगलवार को पथराव किया गया। इसको लेकर अब एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि गोडरिया में रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया है। बता दें कि इस वीडियो में भाजपा नेता पहले अपनी गाड़ियों पर पथराव और गाड़ियों को हुए नुकसान को दिखा रहे हैं, तभी दूसरी तरफ से स्वामी प्रसाद के काफिले में शामिल गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थर चलाए। इस दौरान एक गाड़ी अपना नियंत्रण खो बैठी और खेत में फंस गई। बता दें कि गाड़ी के रुकते ही लोगों ने उस पर पत्थर और डंडे चलाए। जानकारी के मुताबिक रोड शो के दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं का काफिला आमने सामने आ गया। ऐसे में दोनों दलों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी आगे बढ़ी कि मारपीट भी होने लगी। हालांकि इस काफिले में स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन उनके काफिले में शामिल दर्जनों गाड़ियां पीछे थी, जिन पर जमकर पत्थरबाजी हुई। मृदुभाषी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।